अगर घर पर कोई सब्जी ना और समझ में ना आए क्या बनाए तो इस नई रेसिपी को जरूर ट्राई करें। गारंटी देती हूँ कि दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर एक हरी मिर्च, दो लहसुन और चार टमाटर को लिया है। यहाँ पर मैंने लाल टमाटर लिए हैं। कोशिश करें टमाटर थोड़े पके हुए हों। उसके बाद यहाँ पर दो बड़े चम्मच सरसों के तेल को डाला है। सरसों के तेल में ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनती है। टमाटर को इस तरह से कट कर लेंगे और नीचे वाले हिस्से से इसे तेल में रख देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से टमाटर को रखें क्योंकि टमाटर मैंने यहाँ पर वॉश करे हैं तो ये तेल जो है छींटे मार रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखें। लहसुन को इस तरह से बीच बीच से कट कर लेंगे और तेल में डाल देंगे और हरी मिर्च को भी कट कर लेंगे और इस तरह तेल में डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि जो सब चीज़ें अच्छे से पक जाए और इसका छिलका जो है आराम से उतर जाए। तो ये प्रोसेस जल्दी हो इसलिए थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं इसमें। ढककर पकने देंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन लगाकर चेक कर लेते हैं। तो देखिए आसानी से जो है इसका छिलका उतर रहा है। तो सभी टमाटर को यहाँ पर मैं चाकू मारकर चेक कर लूँगी कि ये अच्छे से गले या नहीं। तो देखिए सारे टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह से इन टमाटरों का छिलका उतार लेंगे। गैस को बंद कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद सारे टमाटर का छिलका उतार कर सब चीज़ों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया और मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि जो लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर है अच्छे से मैश हो जाए। तो बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मैश करना है। तो ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर जो है अच्छे से मैश हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो प्याज जिन्हें बारीक काट लिया उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। तो दो प्याज जिन्हें बिल्कुल बारीक काट लिया है। उसके बाद एक मुट्ठी भरकर यहाँ पर धनिया पत्तों का ऐड किया है, उसे भी बारीक काट लेंगे। धनिया पत्ता इसमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर मैं स्वाद के अनुसार नमक को ऐड करूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च को ऐड करूँगी। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारी चीज़ें हैं आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने थोड़े से पनीर के टुकड़ों को लिया है। तो पनीर को यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक पीसेस में कट करा है, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर वैसे तो यहाँ पर ऑप्शनल है, पर पनीर डालने से इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। तो अभी हमारी जो है ये रेसिपी पूरी बनकर तैयार नहीं हुई। उसके बाद हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे और हिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे। क्योंकि हमने टमाटर को पहले ऑयल में पकाया था तो इससे इसमें ऑयल होता है और ये ऑयल को सेपरेट कर देगा। थोड़ी देर बाद सब्जी को बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल नए तरीके की ये सब्जी बनकर तैयार है। तो अगर घर पर कोई सब्जी ना हो तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए दोस्तों, आप दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे। इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार होगी, सभी को बहुत पसंद आएगी। बड़े तो क्या, बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आई तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं फिर से एक और इस तरह की नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।